हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SCR। आइए SCR के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, SCR की फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होती है। दोस्तों, SCR की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। SCR में दोस्तों पी तथा एन टाइप अचालक की चार परतें होती हैं। SCR के फैब्रिकेशन में सिलिकॉन को शुद्ध धातु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसमें अशुद्धियां मिलाकर पी तथा एन क्षेत्र बनाए जाते हैं। जंक्शन बनाने के लिए डिफ्यूजन और एलॉय विधि प्रयुक्त की जाती है। चित्र ए में डिफ्यूजन विधि से निर्मित निम्न शक्ति SCR प्रदर्शित किया गया है। इस SCR के सभी जंक्शन डिफ्यूज्ड हैं और उच्च शक्ति के SCR मेसा विधि द्वारा बनाए जाते हैं। मेसा टाइप SCR में जंक्शन J2 डिफ्यूजन विधि द्वारा बनाए जाते हैं तथा बाहरी दो जंक्शन J1 और J3 एलॉयड होते हैं, जैसा चित्र बी में प्रदर्शित है। SCR में प्राय उच्च धाराओं का प्रवाह होता है, इसीलिए PNPN प्लेट को अधिक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए टंगस्टन या मॉलिब्डेनम प्लेट पर ब्रेस की जाती है। इनमें से एक प्लेट कॉपर या एल्यूमिनियम के स्टड पर हाई शोल्डर की जाती है, जिसमें हीट सिंक में लगाने हेतु थ्रेडिंग की जाती है। दोस्तों, SCR एक चार परतों वाली युक्ति है। इसके तीन टर्मिनल एनोड, कैथोड तथा गेट होते हैं। जब एनोड को कैथोड की तुलना में धनात्मक किया जाता है तब जंक्शन J2 रिवर्स बायस हो जाता है तथा डिवाइस में केवल लीकेज करंट प्रवाहित होती है। इस समय SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट अथवा ऑफ स्टेट में होता है। जब कैथोड को हम एनोड के सापेक्ष धनात्मक करते हैं तब जंक्शन J1 तथा J2 रिवर्स बायस हो जाते हैं और एक सूक्ष्म रिवर्स लीकेज करंट डिवाइस में प्रवाहित होती है। यह SCR की रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है। अब हम जब एनोड एवं कैथोड के मध्य वोल्टेज बढ़ाते हैं तब डिप्लीशन लेयर पर उच्च वोल्टेज होने के कारण रिवर्स बायस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है। यह एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। चूँकि अन्य दो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में हैं, अतः तीनों जंक्शन के मध्य आवेश वाहकों की गति होती रहती है, जिसे हम फ्री मूवमेंट ऑफ कैरियर होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप एनोड तथा कैथोड के मध्य उच्च फॉरवर्ड धारा IT प्रवाहित होगी। इस समय डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चारों परतों पर ओमी ड्रॉप के तुल्य होता है। SCR की यह अवस्था कंडक्शन स्टेट अथवा ऑन स्टेट कहलाती है। दोस्तों, चित्र में SCR के VI अभिलक्षण प्रदर्शित किए गए हैं। SCR की ऑन स्टेट में धारा किसी बाह्य परपथ द्वारा सीमित की जाती है। इस समय यदि एनोड एवं कैथोड के मध्य वोल्टेज कम कर दी जाए तब युक्ति डिप्लीशन परतों एवं रिवर्स बायस जंक्शन J2 का पहले ही भंजन यानी ब्रेकडाउन हो जाने के कारण SCR में धारा प्रवाहित होती रहती है। अब जब SCR की फॉरवर्ड धारा होल्डिंग धारा से कम होती है तब आवेश वाहकों की कमी के कारण जंक्शन J2 पर पुनः डिप्लीशन क्षेत्र निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है तथा डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाती है। इस प्रकार हम जब SCR को स्विच ऑन करते हैं तब परिणामी फॉरवर्ड धारा एक निश्चित धारा लैचिंग धारा से अधिक होनी चाहिए। लैचिंग धारा के तुल्य डिवाइस में फॉरवर्ड धारा का प्रवाहित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धारा की वह मात्रा जो जंक्शन पर आवेश वाहकों की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराती है, अन्यथा डिवाइस एनोड कैथोड वोल्टेज कम होने पर पुनः ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाती है। दोस्तों, होल्डिंग धारा लैचिंग धारा के लगभग बराबर होती है, परंतु उससे लैचिंग धारा से थोड़ी कम होती है। इसका मान कुछ मिली एम्पियर के क्रम में होता है। जब SCR रिवर्स बायस होता है या
कैथोड एनोड के सापेक्ष धनात्मक होता है, तब डिवाइस ऐसे दो श्रेणी डायोड के भांति व्यवहार करती है जिनके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की गई हो। SCR के अंदर दो क्षेत्र भारी परतों की तुलना में लाइटली डोप्ड होते हैं, अतः जो फॉरवर्ड बायस के समय जंक्शन J2 की मोटाई जो होती है वो अन्य दो जंक्शन J1 और J2 की रिवर्स बायस के समय कुल मोटाई से अधिक होगी। यही कारण है कि SCR की जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO प्राय रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज VBR से अधिक होती है। ब्रेक ओवर के समय SCR की फॉरवर्ड धारा IV से प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि SCR की दो स्तर एवं रिवर्सिबल ऑपरेटिंग स्टेट होती है। ऑफ स्टेट से SCR के ऑन स्टेट में चेंजेवर को टर्न ऑन कहा जाता है, तथा इसके लिए फॉरवर्ड वोल्टेज का मान VBO से अधिक होना आवश्यक है। दूसरी स्टेट जिसे टर्न ऑफ कहते हैं उस स्थिति में प्राप्त होती है जब फॉरवर्ड धारा का मान होल्डिंग धारा IS से कम हो जाता है। यह प्रक्रिया चित्र से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, SCR को हम गेट कंट्रोल करके भी हम उसको ऑन कर सकते हैं। यदि डिवाइस पर अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज का मान VBO से कम है तब उसे हम गेट एवं कैथोड के मध्य एक पॉजिटिव वोल्टेज देकर टर्न ऑन कर सकते हैं। यह विधि गेट कंट्रोल कहलाती है। दोस्तों, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, धनात्मक दिशा में बढ़ती हुई गेट धारा पर डिवाइस को फायर करने के लिए आवश्यक एनोड कैथोड वोल्टेज का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसका मान कम होता जा रहा है, तथा नेगेटिव दिशा में बढ़ती हुई गेट धारा पर फायरिंग वोल्टेज बढ़ती जाती है, और ये नेगेटिव दिशा में जो फायरिंग वोल्टेज है वो बढ़ती जा रही है। चित्र के अनुसार गेट धारा एवं फॉरवर्ड धारा के मध्य ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। गेट धारा बहुत अधिक होने पर SCR में ब्रेक ओवर इतनी निम्न वोल्टेज पर हो सक्ता है कि SCR के अवलक्षण एक PN डायोड के समान हो जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में SCR विभिन्न करंट एवं वोल्टेज क्षमताओं में उपलब्ध हैं। 100 एम्पीयर से अधिक धारा एवं 1000 वोल्टेज प्रचालन क्षमता के SCR आज मार्केट में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, हम 40 मिली एम्पीयर अगर गेट करंट द्वारा हम 100 एम्पीयर क्षमता के SCR को ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों SCR हाई रेटिंग पर काम करता है। दोस्तों, चित्र में SCR का प्रतीक प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, SCR का प्रयोग हम स्टैटिक स्विच के रूप में करते हैं। आशा करता हूँ कि SCR के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।